दोस्तों, अगर आपको भी फैंसी क्रिकेट में पैसे कमाने हैं, ड्रीम इलेवन में मेगा लीग ग्रैंड लीग विन करनी है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। दोस्तों, अगर आपको भी फैंसी क्रिकेट में पैसे कमाने हैं या तो बड़ी बड़ी लीग विन करनी है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है दोस्तों पता चलना कि आज कौन सा प्लेयर चलेगा। अगर हमको पता चल गया आज कौन सा हमारा प्लेयर चलेगा, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग आराम से विन कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें, विकेट कीपर हो, चाहे हमारा ऑलराउंडर हो, चाहे हमारा बैट्समैन हो, चाहे हमारा बॉलर हो, अगर इन लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में हमको पता चल गई, तो फिर 100% जीएल विन करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इसी बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप लोग दोस्तों जान सकते हैं कि आज कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा और कैसे आप लोग दोस्तों उसको अपने जीएल टीम में ले सकते हैं। तो वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, लास्ट तक देखोगे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे बाबू, इसकी गारंटी मेरी है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, जब भी ड्रीम इलेवन में टीम बनाते हैं या तो जब आप लोग टीम बनाने जाते हैं, तो यहाँ पे पिच को लेके एक अलग से दोस्तों सेक्शन बना होता है, जिसमें लिखा होता है पिच बॉलिंग है, पिच बैटिंग है या तो पिच बैलेंस है। ठीक है, ये तीन पिच के बारे में जानकारी दी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों इन्हीं पिच के बेसिस पे हम लोग पहले पिच देखते हैं, फिर अपनी टीम का क्रिएशन करते हैं। लेकिन हम लोग एक गलती क्या कर देते हैं, कि हम ऐसे ऐसे प्लेयर को लेते हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग प्लेयर होते हैं। जैसे कि दोस्तों बात करें, बहुत हाई परफॉर्मिंग प्लेयर मतलब जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जैसे मान लीजिए आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच मैच हो रहा है, तो दोस्तों हम ऐसे ऐसे प्लेयर को लेने वाले ले लेते हैं जिनका दोस्तों कोई मतलब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं होती। जैसे कि रोहित शर्मा की ही बात कर लें, कैसा इस दौरान ये खेल रहे हैं आप लोग जानते हैं। दोस्तों हम ऐसे प्लेयर को ले लेते हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं, बस उनका नाम बड़ा होता है, तो इसी वजह से हम दोस्तों यहाँ पे मात खा जाते हैं, हम हार जाते हैं। और गलती और क्या हो जाती है, कैप्टन और कैप्टन भी ऐसे लोगों को बना देते हैं। लेकिन इन्हीं के बजाय अगर हम दोस्तों यहाँ पे इनके बजाय सूर्य कुमार यादव की तरफ चले जाएँ, हाँ विराट कोहली के बजाय अगर हम दोस्तों फाफ डू प्लेसिस की तरफ चले जाएँ, तो यानी कि जो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, उसका मीन्स ये है कि आप लोग हाई परफॉर्मिंग प्लेयर के बजाय जो दोस्तों अच्छे प्लेयर हों आप लोग उनको सिलेक्ट करें। हमको बड़ा नाम नहीं चाहिए, हमको विराट कोहली नहीं चाहिए, हमको दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े नाम नहीं चाहिए, हमको अच्छे प्लेयर चाहिए जिनसे हमारी विनिंग हो, जो हमको विनिंग जोन तक पहुंचा सके। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बात तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर लें। आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो देखें तो भाई सब्सक्राइब भी करें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, डेली टू डेली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो ये चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्राउंड का भी काफ़ी बड़ा फर्क पड़ता है। अगर दोस्तों हमारा ग्राउंड बड़ा है, बिग ग्राउंड है, या तो ग्राउंड हमारा स्मॉल है, तो इसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बड़े ग्राउंड पे हमेशा बॉलर और ऑलराउंडर की प्रेफरेंस हाई होती है, स्मॉल ग्राउंड में बैट्समैन और ऑलराउंडर की प्रेफरेंस हाई होती है, क्योंकि बड़े ग्राउंड पे दोस्तों बॉलर हावी होता है, उसको हेल्प मिलती है, क्योंकि बड़े ग्राउंड पे बैट्समैन छक्के चौके मारने की प्रोबेबिलिटी उसकी कम होती है, चांसेस कम होते हैं, तो यहाँ पे विनिंग करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो हमको बड़े ग्राउंड पे हमेशा बॉलर या ऑलराउंडर की तरफ अधिक जाना, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, डिपेंड करता है आप किसको लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, एक मेन क्वेश्चन आता है, कैसे पता करें कि आज हमारा कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके लगातार मैचेस देखने पे, लगातार आपके एनालिसिस या रिसर्च करने पे। अब दोस्तों लगातार मान लीजिए आरसीबी वर्सेस जीटी का मैच हो रहा है एज ए एग्जाम्पल, अब आपको आपने उनके दो तीन मैचेस देखे तो आपको आइडिया लग गया कि गुजरात टाइटन्स में या आरसीबी में ये प्लेयर दमदार हैं। गुजरात टाइटन्स में हमको हार्दिक पांड्या को लेना है, हमको शुभमन गिल को लेना है, ऐसे ऐसे प्लेयर को लेना है। आरसीबी में हमको इनको लेना है, फाफ डू प्लेसिस को लेना है, मैक्सवेल को लेना है। ये चीज़ें आप सब जान पाएंगे जब आप दोस्तों यहाँ पे रेगुलर मैचेस देखते देखते आपको प्लेयर की एनालिसिस होगी। अब आप लोग टीम तो बना लेते हैं, आप लोग कहते हैं चलो भाई मैंने टीम तो बना लिया, विनिंग क्यों नहीं होती है? तो विनिंग हो नहीं होती क्योंकि आप कैप्टन वाइज कैप्टन में गलती कर देते हो, और सबसे बड़ी गलती आप लोग सिर्फ एक ही टीम बनाते हो। भाई एक टीम मत बनाओ, अगर आप लोग मेरा सजेशन मानते हो, आप लोग करोड़ों ख्वाब देखते रहे, फिर एक टीम मत बनाओ। ये मत देखो कि यार मैं दो टीम बनाऊंगा, तीन टीम बनाऊंगा, हार गया तो मेरा 100-200 रुपये चले जाएगा, फिर तो फिर कुछ नहीं होने वाला बाबू आपका। अगर आप विनिंग करना चाहते हो, देखो अगर आपको पैसे कमाने हैं, आप ड्रीम इलेवन जीएल विन करना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पे ये चीज़ें तो ध्यान दे के चलनी है कि एक टीम से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम एक टीम बनाएंगे तो फिर हम विन नहीं कर पाएंगे। तो हमको दोस्तों पहली बात तो कैप्टन वाइज कैप्टन के सिलेक्शन पर ध्यान देना है, अपने बेटर कैप्टन वाइज कैप्टन का सिलेक्शन करना है, ना कि दोस्तों हाई ऊंचे नाम वाले लोगों को कैप्टन वाइज कैप्टन लेना है।
हम कैप्टन वाइस कैप्टन उन्हीं को लेंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जो आज के मैच में टिकने के चांसेस या उनके चलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। तो ये चीज़ें हम गौर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का काफ़ी बड़ा एडवांटेज हमको देखने को मिलने वाला है। तो पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, हमारे टेलीग्राम से जुड़े जिसका लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप लोग दोस्तों यहाँ पे जुड़ के हमसे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग विनिंग कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ, तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।